मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अफसरों के साथ बैठक, सर्विस डिलीवरी पुख्ता करने और गुड गवर्नेंस का दिया संदेश, सभी विभागों के ACS, प्रमुख सचिवों, सचिवों से लिया फीडबैक, मुख्य सचिव उषा शर्मा भी मौजूद रही। गोरखपुर से सीएम योगी ने भरा पर्चा, अमित शाह बोले अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर, 6 फरवरी को बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र, योगी बोले 300 से ज्यादा सीटें फिर जीतेगी बीजेपी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी का विजय मंत्र, मोदी बोले 2017 से पहले सरकारों ने एक्सप्रेस वे के नाम पर मचाई लूट, ये कागजी समाजवादी माफियाओं को पीछे से सत्ता नहीं हथियाने देंगे। अखिलेश यादव और जयंत की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले रोजगार के लिए आवाज उठाने वालों को बीजेपी ने किया अपमान, बाबा को सिर्फ नफरत से लगाव है, 10 मार्च को बीजेपी का सफाया तय। कार पर फायरिंग के बाद संसद में बोले असदुद्दीन ओवैसी, नहीं चाहिए जेड कैटेगरी की सुरक्षा, नफरत फैलाने वालों पर लगाइए UAPA। ओवैसी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात की। नवजोत सिंह सिद्धू ने इशारों में सीएम चन्नी पर खड़े किए सवाल, खुद को बताया ईमानदार, कहा जिसके पास पंजाब के लिए एजेंडा, ईमानदार सोच है, जनता को सोच समझकर उसके सबसे ऊपर कुर्सी पर उसे बिठाना चाहिए। PCC चीफ डोटासरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चिंतन शिविर में केंद्र की गलत नीतियों समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा, बीजेपी पर भी डोटासरा ने बोला हमला, कहा सरकार को घेरने का बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। राजस्थान में घट रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार, बीते 24 घंटे में 21 मरीजों की मौत, 5,937 नए मरीज मिले, सबसे ज्यादा जयपुर में सामने आए 942 नए कोरोना संक्रमित केस। बीकानेर में गोचर भूमि को लेकर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी का धरना, राजस्थान गौ सेवा समिति ने दिया समर्थन, भाटी बोले पर्यावरण और संस्कृति के लिए गोचर औरण बचाना जरूरी है, बात नहीं सुनी तो बीकानेर में करेंगे चक्का जाम। कोरोना को लेकर राज्य सरकार की नई गाइडलाइन जारी, नाइट कर्फ्यू पूरी तरह खत्म, विवाह और अन्य समारोह में 250 लोगों की अनुमति, कल से लागू होगी नई गाइडलाइन।